एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कड़ी चावल की रेसिपी। वो इसलिए कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी जो फॉलोअर है शैली अरोड़ा, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप सब कुछ खिला के वेटलॉस कराते हैं, क्या कड़ी चावल खिलाकर आप मेरा वेटलॉस करा सकते हो। और इसी के साथ मेरी एक बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट है बलजीत कौर पंजाब से, जिन्होंने ज्वाइन करते वक्त मुझे ये बोला कि मैम आप मुझे जो खिलाओगे मैं वो खाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आप मुझे करेले का जूस भी पिला देना मैं पीऊंगी, लेकिन कड़ी चावल मेरी कमजोरी है, क्या मैं वो खा पाऊंगी इस वेट लॉस जर्नी के दौरान, क्या वो खा के मैं वेट लॉस कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे क्लाइंट्स और मेरे फॉलोअर्स के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आऊं वेट लॉस कड़ी की, जो मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई है, जिसे खाकर आप बहुत आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें कड़ी चावल बहुत पसंद है। हर एक पर्सन की अपनी चॉइस होती है, लाइक आई एम फोंड ऑफ राजमा चावल। हर संडे हमारे घर पे राजमा चावल बनते हैं। राजमा चावल मेरी कमजोरी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। इसी तरह से कुछ लोगों को कड़ी चावल पसंद है, किसी को छोले चावल पसंद है। मेरी एक और क्लाइंट है मीनू सोफर, जो कि अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान मुझे कहा करती थी कि मुझे कड़ी चावल खाना बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जिस तरह से मैं घर पे अपने वेट लॉस के दौरान कड़ी राइस बनाया करती थी, वो रेसिपीज मैं डिफरेंट तरीके से, एक तरीके से नहीं बहुत सारे डिफरेंट तरीके से कड़ी बनाती हूँ, उन्हीं में से एक रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि जिसे खाकर आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाकर आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। सो यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग कड़ी चावल के शौकीन है, मैं चाहती हूँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि उन्हें ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसे बनाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर ये खाने के बाद आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया जो हमारी कंट्री है इसमें कड़ी चावल राजमा चावल लोग बहुत शौक से खाते हैं। आज भी मुझे याद है मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड थी ममता सेठी, जो मेरे साथ जॉब किया करती थी, जब उसकी बेटी होने वाली थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे कड़ी चावल उसकी कमजोरी थी, और हमारे स्कूल में हर कोई उसके लिए कड़ी चावल बनाकर लाता था, उसको खाने के बाद उसका जब मैं फेस देखती थी तो एक बड़ी अच्छी सी स्माइल होती थी उसके फेस पे। सो आई थॉट कि चलो ममता के लिए, मीनू के लिए, बलजीत जी के लिए और शैली के लिए और मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स के लिए एक प्यारा सा वीडियो मैं शूट करूं, जिसे खाकर आप बहुत आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। तो चलिए यहां से सीधा चलते हैं मेरी किचन में, जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि ये वेट लॉस कड़ी आपको कैसे बनानी है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस यम्मी सी रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक गोल घिया ले लिया है, जिसको कि मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कड़ी बनाने के लिए घिये का क्या काम। सो गाइस यही तो डिफरेंट सा यूनिक सा फ्लेवर देने वाला है हमारी कड़ी को। इस घिये के हम बनाएंगे पकौड़े, जो कि हम अपनी कड़ी में ऐड करने वाले हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कड़ी बनाने के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर है दही। मैंने 3/4 बॉल घर का जमाया हुआ दही ले लिया है, आप चाहें तो लस्सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 2 लंबी हरी मिर्च और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही में यहाँ पर मैंने जो है थोड़े से फ्रोज़न जो है पीस ले लिए हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम लॉकडाउन की वजह से फ्रेश मटर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुए, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको फ्रेश मिले तो आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिए। साथ में मैंने ले लिए यहाँ पर 2 प्याज, जिसको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब गाइज यहाँ पर जो 7 स्पून मैंने बेसन लिया था, उसमें से 3 से 4 चम्मच बेसन हम जो हमने कद्दूकस करके हमारा जो घिया रखा है उसके अंदर डालेंगे, और साथ ही में थोड़े से इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच के बराबर मैंने हल्दी डाली है, बहुत ही थोड़ा सा पिंक हिमालयन सोल्ट, और साथ ही में मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसके अंदर जो हमने 2 हरी मिर्च जो है बारीक काट के रखी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और हाथों की मदद से इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइज़, कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1/2 चम्मच आप बेसन इसमें एक्स्ट्रा डाल दें, क्योंकि आपका जो घोल है वो बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। अगर आपका घोल पतला बना तो आपके पकौड़े नहीं बनेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, स्पून में जब आप इसको उठाएँ तो जब ये चम्मच से गिरे तो इस तरह से ये बहुत थिक होना चाहिए, तभी आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे और शेप प्रॉपर तरीके से लेंगे। तो चलिए ये घोल मैंने रेडी कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर हम अपने सारे पकौड़े भी बना लेंगे और कड़ी भी इसी ऑयल के अंदर हम बनाएंगे, इससे ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने इसके अंदर पकौड़े डाले हैं, लगभग मैंने सारे पकौड़े एक साथ डाल दिए हैं, 2-3 का ही बैटर बचा है,
तो इस तरह से आप जो है पलटे की हेल्प से पकौड़ों को पलट पलट के पकाते रहे। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, अदरवाइज ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देखिए कितने अच्छे से ये पक गए हैं, बाहर से भी बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाया है। अगर आपकी फ्लेम हाई हुई तो ये बाहर से तो आपको क्रिस्पी दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से बेसन बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। ये देखिए गाइस, पकौड़े पक्के अच्छे से रेडी हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो चलिए अब तैयारी करते हैं कढ़ी बनाने की। यहाँ पर मैंने एक खाली पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो दही हमने जमाई थी, घर की दही है, घर की जो दही होती है ना, उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो उसके अंदर जो बचा हुआ बेसन था वो मैंने डाल दिया है, और एक चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से चला के पहले मिक्स कर लें। और उसके बाद ये सेम बोल जो है मैंने दो बार भर के इसके अंदर पानी डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी को हम काफ़ी लंबे टाइम तक पकाते हैं तो वो पानी सूख जाता है। अब एक हैंड ब्लेंडर है मेरे पास, इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए हमारा बैटर रेडी हो गया, और ये जो बचा हुआ हमारा ऑयल था, लगभग 2 स्पून ऑयल कढ़ाई में बचा है, इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले थोड़ी सी राई, और उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और ये कुछ कड़ी पत्ता है मेरे पास जो कि बिल्कुल फ्रेश है और बहुत छोटे छोटे से हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये जब हमारा थोड़ा सा मसाला पक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अनियंस और हमारे मटर। 2 मिनट तक इसको अच्छे से आपने पकाना है। 2 मिनट के बाद जब ये हल्का सा तेल छोड़ जाएंगे, ये देखिए आपको तेल काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि पकौड़े में भी हमने सॉल्ट डाला है तो आपने सॉल्ट थोड़ा कम ही रखना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको पकाना है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी 4 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ही लिया है, ताकि हमारी जो कढ़ी है उसका कलर बहुत अच्छा आए। अब 2 मिनट मसाले को पकाने के बाद हमने एक छलनी ले ली है, जिससे कि हमने जो कढ़ी का बैटर बनाया था दही और पानी वाला, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये आपने छलनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि बेसन में अगर कोई कचरा होगा तो वो छलनी के सहारे बाहर निकल जाएगा। तो सारा बैटर आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए अब आप इसको जो है 40 से 45 मिनट तक आपको गैस की फ्लेम को मीडियम या लो पर आपको पकाना है। धीरे धीरे जब हमारी कढ़ी पकती है तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए कि कढ़ी हमारी पक्के रेडी हो गई है। यहाँ करछी मैंने लगा रखी है, आप देखिए कितना मैंने स्टार्ट किया था और कितना इसका पानी सूख के ये नीचे चली गई है, और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है गाइस। लेकिन अभी ये पक्के रेडी नहीं हुई है, अभी तो मैंने इसको 40 मिनट पकाया है, अभी ये 10 से 15 मिनट हमारी हम इसको और अच्छे से पकाएंगे। तो जब इस वक्त हमारी कढ़ी पक जाए और आपको इस तरह से इसके ऊपर रेड सा कलर दिखने लग जाए, तो यहाँ पर आपने ये 2 ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर डाल देनी है, और ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मुझे ग्रीन चिलीज़ पसंद हैं तो मैं ये डालना बहुत मुझे अच्छा लगता है, और मैं इसको खाती भी हूँ चपाती के साथ या राइस के साथ। तो आप नहीं चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप अपनी कढ़ी को पकाएं, और उसके बाद आपको इसमें जो पकोड़े आपने रेडी करके रखे थे वो आपने इसमें डाल देने हैं। गाइस पकोड़े डालने के बाद आपको कढ़ी को कम से कम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आपके पकोड़े अगर आपसे प्रॉपर नहीं बने या पकोड़े सख्त बन गए तो इस टाइम जो है ये कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके पानी को, इसकी नमी को, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो लगभग 10-1 मिनट हो गए हैं इसको, ये कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, आप ज़रूर डालें कोरिएंडर लीव्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे एक तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आपको लगेगा, दूसरा कढ़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है, और कोरिएंडर लीव्स खाने के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर डालें। अब 1 से 2 मिनट बस इसको और पकाएंगे और हमारी जो कढ़ी है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगी। तो चलिए ये कढ़ी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है, एक बॉल ले लेते हैं जिसमें हम इसको सर्व कर लेंगे। आप देखिए पकोड़े बहुत अच्छे से इसके अंदर जो हैं डिप हो गए हैं, कढ़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अगर आप ये खा के वेट लॉस कर सकते हैं तो कढ़ी चावल बहुत सारे लोगों की फेवरेट फूड आइटम होती है, आप इसको ज़रूर खाएं रोटी के साथ, राइस के साथ। मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे खाती हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए।
और आप इसको इंजॉय कीजिए। इसको खाने के बाद प्लीज़ अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल डिमांड पे मैंने बनाई है मेरे क्लाइंट्स और मेरे फॉलोवर्स की। तो जब आप रिव्यू शेयर करते हैं अपना कि आपको ये खाने में कैसी लगी, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अब मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। मैंने इसके साथ थोड़े से बॉइल्ड राइस लिए हैं, साथ ही में मैंने एक बोल कड़ी का लिया है, और साथ ही में मैंने लिया है सैलेड। सैलेड पे नींबू लगाना मुझे बहुत पसंद है, तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको परांठे के साथ भी खा सकते हैं। कोशिश कीजिए रात में ना खाएं, आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, आप इसको लंच में खाएं, रात को ना खाएं, क्योंकि पकोड़े डालने की वजह से थोड़ी सी ये हैवी हो जाएगी। और आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आई होप गाइज आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह से हेल्दी रेसिपीज खाकर अपना बहुत ही आसानी से वेट लॉस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। जैसे ही मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूं, जैसे ही मैं कोई अमेजिंग सा डाइट प्लान पोस्ट करूं, जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो पोस्ट हो चुका है, और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएं। इसी के साथ नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही यूनिक सी एक्सरसाइजेस रील्स के थ्रू आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूं, जिसे फॉलो करके आप अमेजिंग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे क्लाइंट्स और मेरे फॉलोअर्स के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे वो फुल ऑन मोटिवेटेड होकर अपना बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को जरूर मिलेगा, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगेन मैं आप लोगों के लिए फिर से अपनी यूनिक रेसिपीज, अपने अमेजिंग डाइट प्लान्स लेकर आऊंगी, एंड अपनी सुपर एक्सरसाइजेस लेकर आऊंगी, जिसे फॉलो करके आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू आप वापिस से वही बॉडी शेप पा पाएंगे जिसे पाने की आप उम्मीद रखते हैं। और बिल्कुल मत घबराइए अगर आप मोटे हैं, ये मत सोचिए कि मैं कभी वेट लॉस नहीं कर सकती, आप वेट लॉस कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।